में हम बात करने वाले हैं MBA colleges through NMAT, right? नारसी के लिए जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के बेसिस पे आप कौन कौन से बी स्कूल्स टारगेट कर सकते हैं वो डिस्कस करूंगी मैं इस एपिसोड में तो लेट्स So, uh, जी मुंबई के लिए कंडक्ट होता है right? and, uh, उसके बेसिस पे आप कुछ और कॉलेज भी टारगेट कर सकते हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहला कॉलेज जो आप एन मार्ट के थ्रू जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं दैट इज एन एम आई मिस मुंबई

और एवरेज पैकेज टेन लाख का है थोड़ा सा रिटर्न इन्वेस्टमेंट in के हिसाब से आपको देखना है बिकॉज इनका एवरेज पैकेज के आसपास का है राइट right? तो जो आप फीस कर रहे हैं इसमें कुछ और फीस और एड ऑन हो जाती है तो उसके हिसाब से आपको इसको लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है फिर तो उसके बाद आप XIMB, XIMB, मतलब XIM भुवनेश्वर भी देख सकते हैं एच आर के लिए भी काफी नोन है बट इट्स नॉट लाइक सिर्फ एच आर के लिए नोन है ट्वेंटी लाख ,00 का फीस है एंड एवरेज पैकेज सेवेंटीन पॉइंट फाइव का है स्टूडेंट हाईमिस कादंबरी खरे राइट जब उसका एडमिशन हुआ था तो आई थिंक फिफ्टीन लाख एवरेज पैकेज था एंड शी अपलाइड थ्रू एन मैट राइट एंड स्कोर ऑफ नियर अबाउट टू ट्वेंटी अभी कितना है टू ट्वेंटी फाइव प्लस दिखा रहा है बट टू ट्वेंटी के आसपास टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी के आसपास उसका स्कोर था एंड अभी आई थिंक दिस इज हर लास्ट ईयर ठीक है एंड काफी अच्छा कॉलेज है एक्टिविटीज बहुत होती हैं

आप एन एम आई एम एस के दूसरे कैंपस को भी टारगेट कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से यही दो कैम्पस जो है वो थोड़े से डिसेंस है uh, बाकी आप हो सकता है कुछ और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिए हों या फिर आप जानना चाहते हैं कि मेरे एन मैट के स्कोर के हिसाब से कौन से बी स्कूल को टारगेट कर सकता हूँ तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल दे सकते हैं That's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.